जहां मनपा प्रशासन की ओर से गणेश उत्सव और विसर्जन को लेकर नियमावली जाहिर की गई है, प्रशासन की ओर से कड़ा नियोजन किया गया है, वहीं दूसरी ओर खुद कोरोना योद्धा कहे जाने वाले डॉक्टर सी इन नियमों का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से शहर के एक आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। बापा के आगमन की खुशी शहर में हर जगह दिखाई दे रही है। इस खुशी में किसी भी तरह का खलल ना पड़े और कोरोना भी ना बढ़े, इस उद्देश्य से प्रशासन की ओर से पहले ही गणेश उत्सव को लेकर नियमावली जाहिर की गई थी, लेकिन लगता है कि शायद इसके बारे में शहर के आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों को पता नहीं था और इसीलिए प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर वो किसी भी नियम का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बापा के विसर्जन के दौरान एक भी छात्र द्वारा वहां मास्क नहीं लगाया गया था, वही सोशल डिस्टेंसिंग का भी नामो निशान इस वक्त दिखाई नहीं दिया। इस वाक्य से जहां एक और कॉलेज के विद्यार्थियों और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, वही दूसरी ओर मनपा और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी कई प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। एक और जहाँ प्रशासन की ओर से गणेश विसर्जन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं, कम लोगों की इसमें विसर्जन करने को कहा गया है, फिर भी आप देख सकते कि किस तरीके से यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है। कोई भी मास्क और किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये छात्र बिना किसी मास्क से यहाँ से दिख रहे हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है। कई सवाल या निशान इस चीज से खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि क्या प्रशासन द्वारा लगाए यहाँ पे उनका पालन हो रहा है, और अगर यहाँ पे नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा और बीसी न्यूज़ नागपुर।